नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला जिले में हर्षोल्लास के साथ वट सावित्री की पूजा मनाई गई। सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए सोमवार को पूरे जिले के वट सावित्री की पूजा अर्चना भक्ति भाव से कर रही हैं। बता दें कि महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करते हुए मौली धागा लपेटने के लिए जगह जगह पर महिलाएं एकत्रित होकर पूजा कर रही हैं। साथ ही पुरोहित से पूजा कथा भी व्रती महिला सुन रही हैं। वही शास्त्री नगर के शिवालय परिसर में स्थित बरगद के पेड़, जसपुर रोड स्थित पुराने बरगद के पेड़, जेल परिसर स्थित विशाल वटवृक्ष और अन्य कई जगहों पर महिलाएं एकत्रित होकर इस पूजा में शामिल हुई। सुबह से महिलाओं की भीड़ लगी रही। बताया जाता है कि इस पूजा के पीछे कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं, जिनमें प्रसिद्ध सावित्री सत्यवान की कथा है, जिसका लोगों ने प्रायण किया। सुहागिन महिलाओं द्वारा हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत पूजा किया जाता है। वटवृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने के विधान के कारण ही यह व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। मान्यता है कि महिलाएं वटवृक्ष की पूजा करती हैं। सती सावित्री की कथा सुनने व वाचन करने से सौभाग्यवती महिलाओं की अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होती है। इस व्रत को सभी प्रकार की स्त्रियां, कुमारी, विवाहिता, विधवा, कुपुत्रा, सुपुत्रा इसे करती हैं। इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने की मंगल कामना से करती हैं। इधर व्रती महिलाओं की माने तो मान्यता है, इसके अनुसार इस व्रत को करने से पति की अकाल मृत्यु टल जाती है। बताया कि बरगद का वृक्ष सभी तरह की मन्नत को पूर्ण करने की बात कही। हर साल की तरह आती है ये पर्व, सभी सुहागन औरत लोग करते हैं। सभी जगह ये पर्व मनाया जाता है और ये पति की लंबी आयु के लिए ही किया जाता है। घर परिवार में खुशहाल रहने के लिए ये पर्व किया जाता है। मान्यता है कि वट सावित्री करने से लंबी आयु पति को मिलती है, पति को